He's staring his opponent down, getting into that zone. हेलो नमस्कार सत श्री अकाल कैम छो सलाम वालेकुम। तो वैसे स्वागत है आपका हमारे एक और नए गेम प्ले में, और जिसके लिए हमसे हमारे एक व्यूवर ने ही कहा था, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उन्होंने हमें कमेंट करके बताया कि उन्हें यह मैच देखना है, और गाइस माफ़ी चाहूँगा, मैंने दो तीन दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी क्योंकि मेरा गाइस फ़ोन ख़राब हो चुका था और वो अभी सही होके आया है दो तीन दिन में। तो गाइस आपको ये वीडियो देखने को मिल रही है, और गाइस आप देख सकते हैं ये मैच हो रहा है अंडरटेकर वर्सेस गोल्डबर्ग वर्सेस द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के बीच में। तीनों ही उम्दा WWE स्टार हैं, काफ़ी फेमस है, सबकी अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है, तो काफ़ी बहुत तगड़े हैं। तो गाइस मज़ा आने वाला है मैच में, मैच को पूरा देखें, इंजॉय करें और कमेंट करते रहें। आपको जो भी मैच देखना है, जिस भी सुपरस्टार का मैच देखना है, और गाइस हाँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने भाई को सपोर्ट करें गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस सब कुछ, और मैच का आनंद लें। फिलहाल तो अंडरटेकर को आउट ऑफ द रिंग भेज दिया है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर ने, और गाइस आप गेस कर सकते हैं कि इस मैच को कौन जीतेगा। आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट नहीं कर सकते हैं तो अपने मन में ही सोच लीजिए कि आपको क्या लगता है ये कौन इस मैच को कौन जीतने वाला है। और अंडरटेकर आ गए हैं, कुछ निकाल रहे हैं, और एक डंडा लेके आए हैं अंडरटेकर, और बदला लेंगे ब्रॉक लेसनर से, और दे दिया है उनके सर पे। और अब गोल्डबर्ग को पंच दे दिया है, बीस्ट आउट ऑफ द रिंग चले गए हैं। क्या गाइस सबमिशन हो पाएगा? तीनों रेसलर की बात की जाए तो गोल्डबर्ग की काफी हेल्थ डाउन हो चुकी है, ब्रॉक और अंडरटेकर की सेम ही हेल्थ है, और ब्रॉक लेसनर भी गाइस बदला लेने के लिए कुछ लेके आ रहे हैं और चेयर लेके आ रहे हैं। देखना होगा कि ये किसको मारते हैं इस चेयर से। गोल्डबर्ग नहीं गाइस, चीयर का इस्तेमाल नहीं कर पाए गोल्डबर्ग, अब शायद गोल्डबर्ग भी गाइस लेने गए हैं कुछ, और गोल्डबर्ग लेके आ गए हैं गाइस हैमर, और दे दिया है अंडरटेकर को। काफी मजा आ रहा है इस मैच में, अंडरटेकर वापस से उठ चुके हैं, अंडरटेकर वेट कर रहे हैं, फिर आउट ऑफ द रिंग चले गए अंडरटेकर और आ गए अंदर। हमने सोचा कुछ लेने गए होंगे, और सुप्लेक्स दे दिया है अंडरटेकर को ब्रॉक लेसनर ने। गोल्डबर्ग भी अब आ चुके हैं, एक्शन के मूड में है, और किक दे दी है गाइस ब्रॉक के फेस पे, अंडरटेकर आउट ऑफ द रिंग चले गए हैं। गाइस मैं तो अभी गेस नहीं कर पा रहा हूँ कि इन तीनों में से कौन ये इस मैच को जीतेगा। गोल्डबर्ग का काफी अच्छा कमबैक हुआ है, शायद स्पेयर देंगे, क्या कर रहे हैं गाइस, और ये स्पेयर दे दी है गाइस ब्रॉक लेसनर को। किक आउट कर दिया है ब्रॉक ने, और अंडरटेकर भी आ गए थे टेबल लेकर, और ब्रॉक इस टाइम मुसीबत में है, और अपने फिनिशर का इंतजार कर रहे थे अंडरटेकर, लेकिन फिनिशर नहीं दे पाए, चौक स्लैम देना चाह रहे थे अंडरटेकर, और सुप्लेक्स दी है, और पिन कर रहे हैं, लेकिन ब्रॉक हैमर ले लिया है ब्रॉक ने, और गाइस अंडरटेकर अपने खतरनाक वाले रूप में आ चुके हैं। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप अंडरटेकर के फैन हैं, या ब्रॉक लेसनर के, या गोल्डबर्ग के, जिसके भी हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
अपने भाई को सपोर्ट करें। ब्रॉक लेसनर की पूरी बॉडी गाइस रेड हो चुकी है और ब्रॉक लेसनर तो इस मैच को नहीं जीतने वाले और फिनिशर दे रहे हैं अंडरटेकर, लेकिन पिनफॉल नहीं करा पाएंगे क्योंकि गोल्ड बॉल आ चुके हैं। अगर गोल्डबर्ग यहां पर डिस्ट्रैक्ट नहीं करते तो अंडरटेकर इस मैच को जीत जाते हैं। अभी शायद अभी भी जीत सकते हैं अगर ये गोल्डबर्ग को यहां से आउट ऑफ द रिंग कर देते हैं अंडरटेकर। गाइस फिलहाल तो अंडरटेकर को पटक दिया है गोल्डबर्ग ने और इसका फायदा उठा सकते हैं गोल्डबर्ग। नहीं, रिवर्सल कर दिया है ब्रॉक लेसनर ने और F5 देने की तैयारी। गाइस किक आउट होगा, अभी गोल्डबर्ग की काफी हेल्थ है। और ये गाइस सुप्लेक्स दे दिए हैं, दे रहे हैं ब्रॉक लेसनर गोल्डबर्ग को। अंडरटेकर रिंग में आ चुके हैं और गाइस हैमर से वार कर दिया है गोल्डबर्ग से ब्रॉक लेसनर ने। अंडरटेकर पर नहीं कर पाए, अंडरटेकर इसका फायदा उठा सकते थे लेकिन उससे पहले ब्रॉक ने रिवर्स कर दिया है और F5 दे जा रहे हैं अंडरटेकर को। F5 दे दी है अंडरटेकर को, किक आउट कर दिया है डेड मैन ने। गाइस अभी कुछ नहीं कह सकते हैं हम भी इस मैच को कौन जीतने वाला है। शायद गोल्डबर्ग किसी को नीचे टेबल में पटकने की तैयारी में है, काफी अग्रेशन में है गोल्डबर्ग और करना क्या चाह रहे हैं गोल्डबर्ग, खड़े हो गए हैं। ब्रॉक लेसनर देने वाले हैं इनको एक और रिवर्सल कर दिया है गोल्डबर्ग ने। और गाइस फिर से स्पेयर की तैयारी कर रहे हैं गोल्डबर्ग और गाइस स्पेयर दे दिया है ब्रॉक लेसनर के लिए। ये मुश्किल हो सकता था, एक और स्पेयर देना चाह रहे हैं गोल्डबर्ग लेकिन अंडरटेकर आ गए हैं। नहीं गाइस, फिनिशर दे रहे हैं गोल्डबर्ग लेकिन पिनफॉल हो नहीं पाएगा क्योंकि अंडरटेकर आ चुके हैं। गाइस इस मैच का नतीजा निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। और गाइस हैमर का टेक कर दिया है अंडरटेकर पर, रिवर्सल किया अंडरटेकर ने और काफी अच्छा कमबैक अंडरटेकर का द डेड मैन। गोल्डबर्ग एक बार फिर से सुप्लेक्सिटी जा चुके हैं, उधर चॉक स्लैम की तैयारी कर रहे हैं अंडरटेकर लेकिन अंडरटेकर पे पड़ गई है F5 और ब्रॉक लेसनर इस मैच को कर सकते हैं अपने नाम। ये काफी अच्छा मौका है अगर अंडरटेकर के काउट नहीं करते हैं तो। पर गाइस इस मैच को जीत लिया है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर ने और गाइस फेस भी देखिए ब्रॉक लेसनर का। तो गाइस ब्रॉक लेसनर के लिए एक लाइक जरूर 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 बनता है। थैंक यू गाइस।